काफी लोगों को फिशिंग करने का शौक होता है, जिनमें से अधिकांश व्यापार के मकसद से फिशिंग करते हैं, तो कुछ शौकिया तौर पर। इस दौरान अगर आपने गौर फरमाया हो तो अधिकतर लोग जाल या फिर फिशिंग रॉड की सहायता से मछली पकड़ते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में मछली पकड़ने के लिए ऐसे कई नायाब और अनोखे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। आज हम आपको फिशिंग करने की 10 ऐसी खास टेक्निक से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ड्रोन। अगर हम आपसे कहें कि ड्रोन की मदद से भी फिशिंग की जा सकती है, तो आप सभी में से अधिकांश लोगों का रिएक्शन काफी शॉकिंग होगा। आप कहेंगे भला कैसे? तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सैम रोमियो नामक शख्स ने फिशिंग करने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, वो भी बिना घर से बाहर निकले। जी हाँ, सही सुना, घर से बाहर निकले बिना ही इस शख्स ने ड्रोन की हेल्प से मछली पकड़ना शुरू किया। सैम ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसे ढेर सारे लाइक्स भी मिले थे। करीब 30 मिनट का इंतजार और 2 बैटरी चेंज करने के बाद आखिरकार सैम एक मछली पकड़ने में कामयाब हो गए। मछली को देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हालांकि बाद में उन्होंने इसे वापस पानी में छोड़ दिया। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सभी कंट्रीज ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था, जिसकी वजह से लोगों के बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी थी। सैम घर में बैठे बैठे काफी ऊब गए थे, तब उन्होंने घर से बाहर कदम रखे बिना ही फिशिंग करने का ये अनोखा तरीका खोज निकाला। इलेक्ट्रो फिशिंग। जहां पहले लोगों को एक मछली पकड़ने में कई घंटे लग जाया करते थे, वहीं अब कम समय में कई मछलियों को पकड़ा जा सकता है। इंसान ने अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर मछली पकड़ने की कई अनोखी तकनीक इजाद की है। इस वीडियो को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि एक साथ इतनी सारी मछलियां ऊपर कैसे आ गई, मछली पकड़ने की ये कौन सी नई तकनीक है। तो आपको बता दें कि मछली पकड़ने के इस स्टाइल को इलेक्ट्रो फिशिंग के नाम से जानते हैं। बेशक कुछ पल के लिए ये नज़ारा आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल बड़े लेवल पर फिशिंग करने वाले मछलियों को पानी में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे करंट लगने पर मछलियां पानी के ऊपर आ जाती हैं और तब इन्हें पकड़ लिया जाता है। करंट लगने से कुछ मछलियां तो फौरन मर जाती हैं और पानी की सतह पर आ जाती हैं, तब मछली पकड़ने वाले उन्हें अपने जाल में डाल लेते हैं। हालांकि इन मछलियों को काफ़ी लो डिग्री का करंट दिया जाता है। भारत के अलावा अन्य कई देशों में इस तरह की फिशिंग की जाती है। काफी लोग बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और फिशिंग करते हैं। नूडलिंग। नूडलिंग फिशिंग करने की ऐसी तरकीब है जो मुख्य रूप से साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में यूज की जाती है। इस दौरान नूडलर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने हाथों से कैटफिश को पकड़ते हैं। ये काफी रिस्की मामला भी है, लेकिन डेयर करने वालों के लिए ये एक अच्छा गेम है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए नूडलर एक खोजे गए कैटफिश होल के अंदर अपना हाथ रखता है। जैसे ही मछली मुंह खोलती है तो उसके मुंह में मजबूती से पकड़कर मछली को बाहर खींच लिया जाता है। कैटफिश भारी किस्म की मछली होती है और इसे पकड़ना काफी मुश्किल है। इस मछली को पकड़ते समय हाथों में अच्छी क्वालिटी की ग्लोव्स और कपड़े पहनना जरूरी है, नहीं तो आपको चोट भी लग सकती है। वाटर पिचर। आपने मटके या घड़े में पानी भरते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक जगह ऐसी है जहां मटके का इस्तेमाल पानी रखने के लिए नहीं बल्कि मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए। दरअसल बांग्लादेश में इस अनोखी शैली से मछली पकड़ने के काम को अंजाम दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये लोग मटके में कुछ कीड़े और केचुए डाल रहे हैं और फिर इसे ले जाकर पानी के किनारे पर गाड़ दिया जाता है। जैसे ही मछलियां भोजन की तलाश में इन मटकों में जाती हैं तो वो पेट पूजा तो कर लेती हैं, लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और मटके में फंस जाती हैं। इस बात का फायदा मछली पकड़ने वालों को मिल जाता है और वो आराम से मछलियों को पकड़ लेते हैं। बाद में वो मछलियों को मटके से बाहर निकालकर फिर से नई मछलियों को पकड़ने के लिए उसे पानी में गाड़ देते हैं। अब जरा मछली पकड़ रही इन महिलाओं को देख लीजिए, जो मछली पकड़ने के लिए एक डिब्बे को काट रही है और फिर इसे पानी के किनारे पर मिट्टी में गाड़ देती है। मछलियों को लुभाने के लिए इसमें कुछ खाना भी डाला जाता है ताकि मछलियों को पकड़ने में आसानी रहे। इस तरह ये महिलाएं काफी मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। दोस्तों, इस जुगाड़ के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। फिशिंग विथ ऑक्सीजन, लगे हाथ मछली पकड़ने का ये देसी स्टाइल भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये आदमी अपनी कमर पर एक रस्सी की मदद से थैले को टांग लेता है ताकि मछलियों को रखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर मुंह पर ऑक्सीजन का एक मास्क लगाकर पानी में छलांग लगा देता है। ऑक्सीजन मास्क पहनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी वजह से पानी में ज्यादा समय बिताकर अधिक से अधिक मछलियों को पकड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने कितनी सारी मछलियां पकड़ी हैं। फास्ट टूना फिशिंग, फिशिंग के इस तरीके के दौरान तेज गति के साथ टूना मछली को पकड़ा जाता है और इस कारण मछली पकड़ने के इस स्टाइल को फास्ट टूना फिशिंग कहते हैं। सबसे पहले मछलियों की एक बड़ी कॉलोनी को खोजा जाता है और फिर उसके बाद एक बड़ी सी बोट का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर कई सारे फिशरमैन खड़े होते हैं। मछली पकड़ते वक्त एक आदमी पानी में लगातार चारा फेंकते रहता है, साथ ही पानी में हलचल पैदा करने के लिए बोट से समुन्दर या नदी में तेज पानी का फव्वारा मारता है। इस तरह मछलियां तेजी से कांटे में फंसती चली जाती हैं और मछुआरे उन्हें जल्दी जल्दी खींचकर बोट में डालते रहते हैं। दोस्तों, देखने में ये काम जितना आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं, क्योंकि ये मछलियां अच्छी खासी बड़ी होती हैं। विशाल नॉर्दर्न ब्लूफिन टूना 14 फीट तक बढ़ सकती है और इसका अधिकतम वजन 800 किलो तक हो सकता है। हालांकि टूना की कुछ प्रजातियों का वजन 36 किलोग्राम से 180 किलोग्राम तक भी होता है, लेकिन इन्हें भी पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक रिपोर्ट के आधार पर इंडोनेशिया और जापान में इस तकनीक के जरिए काफी फिशिंग की जाती है। कॉर्मोरेंट फिशिंग, मछली पकड़ना किसी कला से कम नहीं है और चीनी व जापानी लोग इसमें काफी माहिर हैं। दोस्तों, जापान में इसे उकाई कहा जाता है जो यहाँ की प्राचीन जापानी परंपरा है। मछली पकड़ने के लिए सबसे पहले कॉर्मोरेंट पक्षियों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन पक्षियों को रस्सी से बांध कर पानी में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही कोई मछली इनकी गिरफ्त में आती है तो फौरन इन पक्षियों को बाहर खींच लिया जाता है और उनके मुंह से मछलियों को निकाल लेते हैं। कॉर्मोरेंट्स को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो मछली को निगले ना, केवल उन्हें पकड़ कर रखे। इस तरह इन पक्षियों की मदद से यहाँ के मछुआरे अच्छी खासी संख्या में मछलियां जमा कर लेते हैं। ब्लास्ट फिशिंग, फिशिंग करने की इस खतरनाक तरीके को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मछली को पकड़ने के लिए पानी में विस्फोट सामग्री का यूज किया जाता है, इसलिए इसे ब्लास्ट फिशिंग नाम से जानते हैं। इसे डायनामाइट भी कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में इस तकनीक के इस्तेमाल से फिशिंग करने पर पाबंदी है, पर इसके बावजूद कई जगह चुपचाप तरीके से ब्लास्ट फिशिंग की जाती है। इस पद्धति के जरिए मछलियों को अचेत या फिर उन्हें मारा जाता है। फिशिंग करने का ये तरीका काफी जानलेवा और घातक होता है मछली और इंसान दोनों के लिए। काफी जगह रात में लाइट जलाकर मछलियों को पकड़ा जाता है। बम्बू फिशिंग, फिशिंग की इस टेक्निक के जरिए काफी मात्रा में मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले दो बेम्बू को लेकर उन्हें क्रॉस शेप में खड़ा कर दिया जाता है और साथ में एक बड़ा सा नेट बांध दिया जाता है। फिर मछुआरे इसे पानी में नीचे छोड़ देते हैं। इस दौरान जाल को काफी देर तक पानी में रखा जाता है और फिर दोबारा एक बेम्बू के जरिए जाल को बाहर खींच लिया जाता है। दोस्तों, इस तरह एक बार में कई सारी मछलियों को पकड़ा जा सकता है। मछली पकड़ने की इस तकनीक के लिए ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, केवल मछलियों के लिए स्वादिष्ट खाना परोसने की आवश्यकता होती है। फिशिंग करने का ये काफी किफायती सौदा है। क्या आपने कभी इस तरह किसी को मछली पकड़ते हुए देखा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पिट फॉर फिशिंग, फिशिंग करने की इस अतरंगी स्टाइल को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इसके लिए सबसे पहले नदी किनारे एक गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसके किनारों पर बांस के कुछ पाइप लगा देते हैं। फिर इन पाइप्स को तालाब या नदी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इन पाइप के जरिए मछलियां एक एक करके गड्ढे में जमा होती हैं और फिर मछुआरे उन्हें पकड़ लेते हैं। मछलियों को लालच देने के लिए इन पाइप्स में उनके लिए भोजन डाला जाता है। कंबोडिया में फिशिंग के इस स्टाइल को काफी फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से मछली पकड़ने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।